यह वीडियो पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा था, इसकी चारों ओर तारीफ हो रही थी। इस बुरे वक्त में यह वीडियो कई लोगों के लिए जीने की प्रेरणा के तौर पर सामने आया था। लेकिन यह दुख की बात है कि दूसरों के लिए हिम्मत और हौसले की तस्वीर बन यह जिंदा दिली की मिसाल इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। यह वीडियो ट्विटर पर बहुत वायरल हुआ था। इसमें कोरोना से जूझ रही 30 साल की लड़की इमरजेंसी वार्ड में बेड पर शाहरुख खान की एक फिल्म के गाने पर झूमती नजर आई। डॉक्टर मोनिका के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद से लाखों लोग इसे देख चुके हैं, लेकिन 13 मई को यह लड़की जिंदगी की जंग हार गई। डॉक्टर मोनिका ने बताया था कि इस लड़की को अस्पताल में ICU बेड नहीं मिल पाता, इसलिए इसे कोविड इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। डॉक्टर मोनिका ने कहा कि इस लड़की में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वार्ड में भर्ती होने के बाद उसने पूछा कि क्या वह अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ म्यूजिक सुन सकती है। डॉक्टर ने शाहरुख खान और आलिया भट्ट की 2016 में आई फिल्म डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी गाना चला दिया। इस पर वो लड़की झूमने लगी। वह सिर्फ 30 साल की थी। 30 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती है। डॉक्टर ने ट्विटर पर लिखा कि हमने पिछले 10 दिनों में उसे कोविड इमरजेंसी में रखा है। डॉक्टर मोनिका ने लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूं, हमने बहादुर आत्मा को खो दिया है। कृपया उस परिवार और बच्चे के लिए दुआ करिए जिसे इतना बड़ा सदमा पहुंचा है। यह बहुत ही दुखद खबर है। यह संकट की घड़ी में कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी थी। उसका यूं जाना बड़े दुख की घटना है।